हाई एवरी वन हिज रमन शर्मा एक नया एक अलग और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ग्रामर का है वो है टेंसीज जैसे किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की हम बोलते हैं कि बुनियाद बहुत अच्छी होनी चाहिए मतलब उसी तरह अगर इंग्लिश बहुत अच्छा सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छी बुनियाद है टेंसीज मैंने बहुत सारे बहुत बड़े बड़ी डिग्री वाले लोगों के साथ इंग्लिश में बात की है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं डूडस इज डिड डेड वर हैड विल विल बी विल एव। ये होता क्या है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में एक मंथ का कोर्स एक मंथ के टेंसिस इस थर्टी मिनट की वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना ना अच्छा लगा तो भी बताना और मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरी टीचिंग किस किस को इंप्रेस करती है और कौन भाई बहन है जिनको मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ आता टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करता और सबसे पहला कंसेप्ट है वो मैं हिट करना चाहता हूं टेंसिस होते क्या है टेंसिस होते क्या है टेंसिस सीखें कैसे अपनी नोटबुक के ऊपर तो बहुत लिख लिया अपनी जुबान को कैसे सिखाएं और अगर आपको टेंसिस आ गए तो आपका ग्रामर पोर्शन बहुत हिट होगा और डेफिनेटली राइटिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे और स्पीकिंग में तो बस बात ही खत्म माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है तो टेंसिस का मतलब होता है टाइम टेंसिस का मतलब होता है टाइम टाइम में मैं क्या क्या चीजें बताता हूं फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तो बड़ा क्लियर कंसेप्ट है जो बात करंट चल रही है जो बात अभी अभी हो रही है दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंट जो पहले हुई थी दैट इज कॉल्ड अ पास्ट जो आने वाले टाइम में होगा दैट इज कॉल्ड अ फ्यूचर फॉर एग्जांपल आज फोर्टीन जून है चौदह जून ये टाइम है चौदह जून का प्रेजेंट का जो पिछला 13 जून था वो चला गया पास्ट में और जो 16 और 15 जो भी जून आएगा वो होगा फ्यूचर में बात इतनी है कि सीखें सीखें कैसे, हेल्पिंग वर्ब्स सीखें कैसे, इसकी जरूरत क्या है अगर आपको टेंसिज आएंगे तो ही आप एबल हो किसी से कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे तरीके से जो वो लोग पूछ रहे हैं उन चीजों का आप जवाब बहुत अच्छे से दे पाओगे अदरवाइज किसी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग तो आपने बोला आई गो टू पटियाला तो डेफिनेटली रॉन्ग है क्योंकि आप ये कंसेप्ट क्लियर करना भूल गए कि जो टेंस में जो टेंस में सामने वाला क्वेश्चन अराइज करेगा सेम टेंस में हमें रिप्लाई करना होगा और हिंदी में पंजाबी विच और इंग्लिश में आई डेफिनेटली टीच दिस वीडियो और वीडियो पसंद जरूर आना चाहिए और कंसेप्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए तो आइए बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए बना के रखा है बिकॉज दैट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम तो सबसे पहला मैंने कंसेप्ट आप लोगों के लिए क्या हिट किया uh, मेरे पास एक स्लाइड है दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट अगला है कॉल्ड अ पास्ट और नेक्स्ट है तीन में हमारे पास जो हैं। और मैंने यहां पे देखा आप ये देखिए जो मैं इधर कलर करता हूं आ, ये दिस इज कलर के लेफ्ट साइड है मतलब ये ये साइड ये साइड सारा प्रेजेंट है मिड वाला सारा क्या हो गया पास्ट और ये वाला क्या हो गया फ्यूचर गौर से देखिए ये भी इंडेफिनेट है ये भी इंडेफिनेट है ये भी इंडेफिनेट है मतलब ये किन का है ये प्रेजेंट का है ये पास्ट का है ये फ्यूचर का है मतलब तो पूरे टेंसिस में तीन इंडेफिनेट हो गए ये कॉन्टिन्यू है ये कॉन्टिन्यू है ये कॉन्टिन्यू मतलब तीन कॉन्टिन्यू भी हो गए ये परफेक्ट है ये परफेक्ट है ये परफेक्ट है मतलब क्या है कि ये टेंसिस की जो फैमिली है इनके यहां पे तीन तीन बच्चे हैं मैं चौथा बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू पास परफेक्ट कॉन्टिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू की एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सर्वाइवल इंग्लिश और बेस्ट इंग्लिश को बनाने के लिए ये नाइन आपके लिए काफी हैं यकीन मानिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस टेंस का क्या रोल है किस टेंस का क्या रोल है और कैसे हम इनको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे तो आइए शुरू करता हूं सबसे पहला कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं हां दिस इज फाइन प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर आप लोग इसकी मतलब बड़े अच्छे तरीके से देखो यहां पे मैंने डू और दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म दी हुई है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो यूज होता है वो कहां पे होता है जो काम आप रूटीन में करते हो जो काम आप रूटीन में करते हो उसका मतलब पता है क्या मैं सुबह उठता हूं मैं ब्रेकफास्ट करता हूं मैं इंस्टीट्यूट जाता हूं टीच करता हूं दोस्तों को मिलता हूं पढ़ाता हूं जो काम मैं हर रोज करता हूं आप लोगों की भी एक रूटीन है जो जॉब करते हैं वो जॉब करते हैं जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस करते हैं मतलब कुछ ना कुछ आप करते हो जो हर रोज करते हो दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यू जो काम आप अब भी अभी कर रहे हो अभी अभी कर रहे हो तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता भी सकता हूं इसके लिए हेल्प भी कर सकता हूं सेम हेयर लाइक हेयर ये देखिए ये पानी का ग्लास है ठीक है मैं इसको पी रहा हूं ये मेरा कॉन्टिन्यू है जो काम चल रहा है वो आ गया कॉन्टिन्यू प्रेजेंट इंडेफिनेट कौन सा है जो काम होता है डेली रूटीन में होता है डेली होता है हर रोज करते हो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अभी-अभी नाउ अभी-अभी हो रहा है ये है कंटिन्यू इसमें क्या-क्या है इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी थर्ड हमारे पास आ गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है मतलब बताता हूं आपको कंटिन्यू में क्या था मैं पी रहा था ये कंटिन्यू है अब देखना ये हो गया खाली तो खाली मतलब कि जो काम अभी अभी फिनिश हुआ है वो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट जो काम अभी अभी फिनिश हुआ है वो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट लाइक भी आपको क्लियर कर देता हूं देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट कौन था जो रूटीन में हर रोज काम करता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यू क्या है जो अभी अभी कर रहा हूं और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है जो अभी अभी फिनिश हुआ है ये तीन टेंस हो गए प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या लगता है डूडस प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में क्या लगता है इज एम आर और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है हैज हैव और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी आइए पास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे आयल्स करते हैं उनको एक क्यू कार्ड होता है टास्क टू स्पीकिंग का और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है अगर आपको ये आएगा तो ही आप इंग्लिश में क्यू कार्ड बोल पाओगे अदरवाइज नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब की थ्री फॉर्म होती है ना फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट के अलावा और किसी में भी नहीं आती इंग्लिश में किसी जगह पे भी यूज नहीं है सिवाय पास्ट इंडेफिनेट का कहीं पे भी आपको सेकंड फॉर्म मिल गई लिखी हुई तो समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनेट है पास्ट कॉन्टिन्यू की बात कर रहा हूं वॉजवर और आई जो काम मैं कर रहा था ये काम मैं पहले कर रहा था एग्जाम्पल कोई आपको पूछता है ना तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया अरे बाप रे तब तो मैं नहा रहा था अच्छा तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया रमन अरे भाई मैं तो आयल्स पढ़ा रहा था कोई काम मैं कर रहा था दैट इज कॉल्ड अ पास्ट कॉन्टिन्यू प्रेजेंट इन कौन सा है जिसमें डू डज लगते हैं रोटीन का काम जो हर रोज करता हूं मैं Present क्या हो गया? जो काम अभी-अभी अभी-अभी कर रहा हूं, MR, ing. Present perfect क्या हो गया? और जो जो काम काम हुआ है, past indefinite, जो काम आज से पहले किया था वो पास्ट इंडेफिनेट है और सेकंड फॉर्म बस इसी में लगती है और पास्ट कॉन्टिन्यू में वॉजर आई एनजी तो है जो काम मैं कर रहा था वो दोता में शी. ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੰਟੀਕਾ ਉਹ ਜੋ ਤਮੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ that is called a past continue past perfect had or third form past perfect had or third form ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਸਿਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗਾ मैं चाह पीवा मैं रोटी खावा मैं जो भी काम करांगा वो फ्यूचर इनडेफिनेट और शैल खत्म हो गया हम यूज करते हैं विल ओनली फ्यूचर कॉन्टिन्यू जो काम मैं कर रहा हूँ अरे भाई तू तो कैनेडा जाके क्या करेगा वहां तो मैं डॉलर कमा रहा हूँगा वहां तो मैं शिफ्ट लगा रहा हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ और ये काम फ्यूचर परफेक्ट क्या है जो काम मैं कर चुका होवा जो काम फिनिश हो चुका होगा फ्यूचर में आ, तो कब आएगा मेरे पास मैं टू 2027 में अरे तब तक तो मैं पी हो चुका हूँ जो काम हो चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। कीजिए मैंने आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बताए हैं अब इसका मैं कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं जैसे ये रहा डूडस ये रहा इज ये रहा ये रहा बी िल हैव ये बताने का कारण भी बता सकता हूं मैं आप लोगों को जब कोई बंदा आपसे इंग्लिश में बात करेगा चाहे वो वेन वाई वेयर हाउ विधम फ्रॉम जो मर्जी यूज करे जो मर्जी यूज करे तो आपकी निगाह किस चीज पे होनी चाहिए वो बताता हूं मान लीजिए किसी बंदे ने आपसे इंग्लिश में बात करने की सोची और उसने बोला वाई वाई तो ठीक है यह तो क्वेश्चन हो गया ना ठीक है Why do you go to school? जब किसी से बात करनी है इंग्लिश में उसने बोला Why do you go to school? तो मेरे को यह पता होना चाहिए ना कि why के बाद जो उसने यूज किया ये किया do और do किस टेंस में आएगा do आता है ये रहा मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट तो मेरा रिप्लाई उस बंदे को प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही जाना चाहिए एग्जाम्पल बताता हूँ एक दो और फॉर एग्जाम्पल उसने बोला वेयर आर यू गोइंग ये क्वेश्चन था वेयर आर यू गोइंग आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है उसने बात क्या की तो मैं आपको सिखाता हूं आपने क्या देखना है वेयर तो हो गया कहां पे वो पूछ रहा है आर बस ये देखो कि ये कौन सा टेंस है और आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा अरे भाई आर तो ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में आपका जवाब भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यू में होना चाहिए तो आप किंग बन गए इंग्लिश के बाद खत्म जैसे उसने बोला वेयर आर यू गोइंग तो आपका रिप्लाई पता करना चाहिए आई एम गोइंग टू दुबई समझ आई ना जो टेंस है उसी में जवाब दिया बात और बताता हूं आप लोगों को किसी ने क्वेश्चन राइज किया रमन हाउ वेल यू गो जो भी क्वेश्चन फैमिली होगी उसके आगे वाला जो भी होगा वो हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगा कि ये कौन से टेंस में बात कर रहा है एग्जाम्पल बताता हूं हाउ विल यू गो आई विल गो बस मतलब आपने सीखना क्या है ये मैं पार्ट वन समझा रहा हूं आपको इसका टेंसिस का ही पार्ट टू लेके आऊंगा एग्जाम्पल लेके आऊंगा डीपली और आप लोगों को पता होना चाहिए बस आप लोगों ने क्या देखना है प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या यूज हो रहा है डूडस Do प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में इजम आर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज Past Indefinite में डेड पास्ट कॉन्टिन्यू में वॉजवर पास्ट परफेक्ट में हैड फ्यूचर Indefinite में विल फ्यूचर कॉन्टिन्यू में विल बी फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव मैं आप लोगों का टेन मार्क्स का एक टेस्ट यहां पे डाल रहा हूं और आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में यह बताना है कि कौन सी लाइन कौन सा टेंस है कौन कौन सी लाइन सा टेंस है और ये आप सभी बता, पता क्यों सकोगे और उम्मीद करूंगा कि, आप में बताओगे और मैं चेक करूंगा कि किसका सबसे अच्छा है और अगर मुझे किसी का कमेंट सबसे अच्छा और बढ़िया लगा तो डेफिनेटली मैं आपको कोई ना कोई गिफ्ट मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करूंगा जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस में बात की एग्जांपल वेयर मैं ये नहीं बताऊंगा वेयर विल यू गो हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश व्हेन वर यू गोइंग With whom did you go? From where are you purchasing clothes? What time had you taken a, a dinner? who will go with you what have you taken where will you be going <clears throat> how did you get bent आप लोगों ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डालना है और ये बताना है कि वन पे ये कौन सा टेंस है और ये टेंस कैसे पता चलेगा हर क्वेश्चन फैमिली के जो आगे हर क्वेश्चन फैमिली के आगे ये येलो कलर में देख रहे हो ना ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस कहां पे है तो अगर आपके टेन में से टेन ठीक जाते हैं और बेस्ट फाइव को मैं रिप्लाई करूंगा अपनी तरफ से और उनको कोई ना कोई चाहे स्पोकन का एडमिशन दूंगा चाहे कुछ भी ये रहा मेरा टेंसिस का पार्ट वन और पार्ट टू में विद इन सेवन और एट डेज के बाद लेके आऊंगा अगर आप वीडियो को 5000 लाइक like तक पहुंचाते हो और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट डालते हो तो डेफिनेटली इसके पार्ट टू में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल के साथ एक एक टेंस को क्लियर करके बताऊंगा और मुड़के आप जिंदगी में कभी भी टेंसेज की जो आपको दिक्कत आएगी वो कभी भी नहीं आएगी और मुड़के मैंने पंजाबी बोल रहा हम पंजाबी में हिंदी मैक्स वी लव इट सो आई लव यू एवरी आप मेरे को फॉलो करते हो बहुत प्यार बहुत रिस्पेक्ट ऐसे ही चैनल को ग्रो करने में आप लोग हेल्प करो आपका रमन शर्मा आपके साथ नई नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा लव यू एवरी वन टेक केयर गुड बाय रमन शर्मा और वेट कीजिए मेरे टेंसिस के पार्ट टू की और पार्ट टू तब भी आएगा जब आप फाइव थाउजेंड लाइक प्यार के लिए मुझे दोगे सो थैंक यू वेरी मच लव यू टेक केयर गुड बाय रमन शर्मा